लिए इतनी छुट्टी है रात को, कहती कि मैं उठ रही हूँ देख रही और अब नहीं उठी, थोड़ी पास आके दिखाऊंगा मेरे को अच्छा नहीं उठ रही है, चल हाँ चल ना हो बहुत फिर भी चलो नहीं हो रही है कितनी मम्मी आ गई छोड़ने का, मुझे लेट छेड़ रहा है छोड़ने का, हम बाद में खाएंगे लास्ट में अच्छा बच्चों को अभी ठीक हो जाएगा, ब्रश करेंगे ना तो सारा आलस ठीक हो जाएगा। चलो 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 दिल्ली चलेगा, चलो मेरा दिल्ली पागल है, चलो अभी छोके होता है, चलो को आलस छा रहा है, चलो को मैं दवाई खिलाऊंगी सबसे पहले क्योंकि चलो बहुत गंदगी मचाता है दवाई खाने में, फिर चलो को नहाई नहाई कराएंगे है ना, चलो चलो को पानी गरम हो रहा है, नहाई नहाई के करके भूख लग जाती है, आलस छा रहा है भैया कितना आलस छा रहा है। नींबू तैयार हो गई है, आलू तैयार हो गई है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं और लिबा जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था ना कि बाजी के लिए कपड़े चाहिए और हिना बाजी ने कपड़े मंगवाए तो वो हम दोनों लेने जा रहे हैं, आयरा और शुरू ले लिए, अब मुझे लेट हो रही है मैं जल्दी से जा रहा हूँ, ठीक है बाय मिलते हैं फिर बाय। ओहो लिबा ने क्या पहना, हाय गाइस देख रहे हैं नाटक में, नाटक नहीं हाय गाइस देख रहे हैं, अरे हाय कर लो। वालेकुम अस्सलाम, मम्मी तो सबसे प्यारी लग रही है हमेशा की तरह। पापा जी ये बिल्कुल पागल हो चुकी है, आप लोग के लाड़ प्यार में पागल हो गई है, उसमें भी आप लोग कुछ नहीं कहने देते। मम्मी थैला पकड़ लो, तो बस अब हम चल दिए हैं, लेकिन अभी हम सास ही में ही हैं क्योंकि अभी सब भैया मिठाई लेने गए हैं और इनके पापा बच्चों के लिए केले लेने गए हैं, लिबू की टीक चमक रहे हैं, ये मम्मी है, छोनू है, मम्मा सुनो आयरू हाय कर लो आप भी, चलो चले चलते हालत बुरी हो रही है और थक भी बहुत बुरी तरह रहे, मैं तो सैरी के बाद बिल्कुल भी नहीं लेती, तब से लगी पड़ी हूँ कामों में, तब जाके आप ख़त्म हुई, चलो तो फिर अब निकलते हैं, फिर मिलेंगे रास्ते में, कुछ होगा तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो जी फाइनली हम अपने घर से निकल चुके हैं, अब निकल चुके नहीं कहा जाएगा बल्कि पहुंच ही गए, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए हमारा मतलब स्वागत किया जा रहा है बोर्ड के ज़रिए, तो अब हम नोएडा में घुस चुके हैं और थोड़ी सी ही देर में हम अपने घर पहुंच जाएंगे, और मैं इतना थक गई थी, इतना थक गई थी कि बस पूछो मत, तो हल्की सी एक नैप मैंने भी ले ली, बिल्कुल हल्की फुल्की सी, बाकी सोनू बहुत अच्छे से सोई है, मम्मी बहुत अच्छे से सोई है, मैं थोड़ा बहुत सोई हूँ, तो मैं कितना सोई हूँ आप खुद ही देख लो। तो यहाँ पर बस ये हो रहा था कि बस हल्की सी आँख लग रही थी और फिर लिबा आपको पता है बीच में कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है, तो वो मतलब प्रॉपर उसे नींद नहीं कहा जाएगा, बट ठीक है ना इट्स ओके, घर आके सोना ही है, मतलब जब मायके जाने की इतनी खुशी होती है ना, तो नींद चैन सुकून भूख प्यास ये सब ना एक तरफ हो जाती है, फिर तो बस ये रहता है कि जल्दी से हम उड़ के पहुँच जाए अपने घर और सबसे मिल लें। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है, मेरे हिसाब से तो सभी बेटियों के साथ ऐसा होता होगा, वो मन में ना आज भी, हालांकि माशाल्लाह हमारी शादी को 9 साल हो गए, लेकिन मन में ना आज भी वो बटरफ्लाइज से मुझे उड़ती हैं जब भी घर जाने का नाम आता है। तो चलो जी बस यहाँ पर हम सारा परिवार है, पापा नहीं आए, अब मिलते हैं दिल्ली में। कॉलोनी है ना तो वो एक जैसी होती है, पहले किसके घर जाना है, पहले आंटी से ही मिल लेना, पूछिए वैसे नानी से मिल लेते हैं कभी कभी, आंटी से मिल लेते हैं अगर आंटी का, हाँ फिलहाल तो, और फिर आंटी बीमार भी तो है, मेरे लिए ले आओ, आधा आधा खा लेना, ऐसे लग रहा है आंटी
है कि नहीं है? चलो 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 अच्छा चल। बच्चे डर रहे हैं, बच्चों का स्वागत बिल्ली ने जो किया है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। लाइट से लाइट आए थे, इसी चलाओ। हाँ ऐसे चलाओ ऐसे ना। अस्सलाम वालेकुम, आपके गोल के कड़ों में नहीं टकरा कुछ? अच्छा अच्छा, ओ या तो आप बाल भी तो ऐसे ऐसे करो बार बार। अरे अरे ये क्या मैजिक हो गया? मेहंदी दिखाओ, कितनी सुंदर मेहंदी है। अरे कैसे हंस रही है? वैसे भैया को भी छेड़ सकती हो? मुझे कौन छेड़ने वाला? आई 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 पहले कोशिश आप ही करोगे? क्यों आप इतनी तैयार करेंगे? हम तो तैयार करेंगे। अच्छा तैयार करेंगे नगमा आएगी। मामा अभी आपको गोलगप्पे दिखाओ। अब पहले तो सब बॉक्स आओ। चलो मुझे रोबे से बाहर चले। रिकॉर्ड क्या करना है ये तो बता। अरे हम पीछे जाते हैं ना, आपका ये आ गया, टांगे तुम्हारे ऊपर रखो। मम्मा फोन का डब्बा मैंने मंगवा रखा है, आप भेजना मेरे।
बच्चों को बहुत ज्यादा शोर हो रहा है और अभी की थोड़ी चोट लग गई है यहाँ पर, एक जैसे आपके पास हो गई है तो उस वजह से आपकी बड़ी परेशानी है। हालांकि आपकी अभी पार्लर शो कर आती है, लेकिन अभी वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, फिर मैं आपके पास कराऊंगी। टेंशन 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 मैं भी बहुत टेंशन में बाजी दिखाओ, अपनी टेंशन दिखाओ। अरे कुछ कम नहीं है टेंशन, ये भी इतनी टेंशन चल रही है। मुझे एक दो ऐसे ही है ना, मेरी ज्यादा है। कितनी टेंशन है? मेरे आठ है। तुम पड़ोसियों की भी नहीं आई हो? पड़ोसी की मांगनी चले कभी रॉबरी करने से ला गया। हाँ पता चला नहीं, ये ब्लॉग हम बाद में डालेंगे, पता चला हमने घर निकल रहे और हमें टेंशन। बच्चे यहाँ पर खाना खाने में लगे हुए हैं क्योंकि बच्चों को लग रही है भूख। खा लो यहाँ चल रहा है इनायतू का प्रेसिंग। अरे ये मेरा बेबी खाचू आलो खाचू, ओहो ओहो ओहो। भाभी के पास सब बच्चे आराम से आ जाते हैं। अनु चाह ये बाजी की जिठानी है। अच्छा आ जाओ बेटा, कोल्ड ड्रिंक पी लो, तो कुछ नहीं खाना। मेरी आइजू की लग गई है, बहुत रो रही है मेरी आइजू। आइजू की उंगली दब गई है तो आइजू बहुत सैड है। अभी होकर आ रहे हैं मार्केट से, कुछ नहीं है खाली, हम धूप खा के आ रहे हैं। धूप खा मेरा काम नहीं हुआ, चूड़ी नहीं लेनी है, चूड़ी किसकी लानी? वो उन्होंने गजरे का ऑर्डर दे दिया है भाई, तुम्हारे फूल भी नहीं मिले, उसके पास वो ऐसे वाले फूल नहीं। चल रहा अभी लेके चल, लेट आओ, चलो मैं आ रही हूँ। आप हटे ऐसे, आइजू देखो चाचू बुला रहे, चाचू बुला रहे, बैठो। उसकी उंगली दब गई, मूड खराब हो जाएगा। चीज तो सब है, सुबह से चाउमीन खा रहे सारे बच्चे, पता नहीं कहाँ फेंक रखे हैं। और जिनको मैं कर रहा हूँ।